हेलो सर्वाइवर्स एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। सर्वाइवर्स, एक वक्त था जब पैट्स सिर्फ दिखावे के तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब पैट्स हर तरह के गेम मोड की जरूरत बन चुके हैं। आप तमाम पैट्स को अपने गेम स्टाइल के मुताबिक यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पैट्स की जिन्हें प्लेयर्स की जानिब से ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैल्को पैट फैल्को की स्किल का नेम है स्काईलाइन स्प्री। फैल्को पैट आपको और आपकी टीम को लैंडिंग में बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर आपकी टीम में एक प्लेयर के पास भी फैल्को है तो पूरी टीम तेज लैंडिंग कर सकती है। फैल्को एरोप्लेन से निकलते ही ग्लाइडिंग स्पीड को 45% बढ़ा देता है और पैराशूट खुलने के बाद डाइविंग स्पीड को 50% बढ़ा देता है। मिस्टर वेगर पैट मिस्टर वेगर की स्किल का नेम है स्मूथ ग्लू। ये पैट आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर ग्लू वॉल प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर आप मिस्टर वेगर के साथ गेम खेल रहे हैं और आपके पास 2 से कम ग्लू वॉल्स हैं, तो ये पैट आपको 100 सेकंड्स के अंदर एक ग्लू वॉल प्रोड्यूस करके देगा। बीस्टन पैट बीस्टन की स्किल का नेम है हेल्पिंग हैंड। अगर आप बीस्टन को साथ लेकर गेम खेलेंगे तो ये पैट आपको मदद करेगा आपके थ्रोएबल्स को और ज्यादा दूर तक थ्रो करने में। यानी अगर आप बीस्टन पैट यूज करते हुए ग्रेनेड, ब्लू वॉल, फ्लैशबैंग या स्मोक ग्रेनेड थ्रो करेंगे तो आपके थ्रोइंग डिस्टेंस में 30% रेंज का इजाफा हो जाएगा। ड्रैकी पैट ड्रैकी की स्किल का नेम है ड्रैगन क्लियर। ड्रैकी आपको मदद करता है हील करने वाले प्लेयर्स को तलाश करने में। यानी अगर 30 मीटर रेडियस के अंदर मौजूद कोई 4 ओपोनेंट्स मेडकिट यूज कर रहे होंगे तो ड्रैकी उन एनिमीज के ऊपर एक मार्क शो करेगा और ये मार्क पूरी टीम को शो होगा और ड्रैकी की ये स्किल 5 सेकंड्स तक मौजूद रहती है। एरवन पैट एरवन की स्किल का नेम है डायनोक्यूलर्स। एरवन की स्किल को यूज करते ही आपको और आपके टीममेट्स को इंस्टेंटली नंबर ऑफ एनिमीज का पता चल जाता है जो मौजूद होते हैं 50 मीटर रेडियस के अंदर। एरवन की ये स्किल 6 सेकंड्स तक एक्टिवेटेड रहती है, लेकिन आप एरवन की स्किल को एक मैच में सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते हैं। इन 5 पैट्स में अगर देखा जाए तो बीस्टन और ड्रैकी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं सीएस मोड में। बीआर मोड में भी इन पैट्स का इस्तेमाल अच्छा साबित होता है, लेकिन सीएस मोड में इन पैट्स का इस्तेमाल आपको ज्यादा एडवांटेज देता है। 4v4 फाइट्स में आपको ज्यादा एडवांटेज होता है अगर आपको एनिमीज की लोकेशन मिल जाए तो। ड्रैकी आपको मेडकिट्स यूज करने वाले एनिमीज को ढूंढने में मदद करता है और अगर आप अच्छे ग्रेनेड यूज कर सकते हैं तो आप बीस्टन का यूज करके अपनी टीम के लिए ग्रेनेड से एनिमीज को डिस्टर्ब करके फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फैल्को, मिस्टर वेगर और एरविन का इस्तेमाल बीआर मोड में करके ज्यादा एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। सीएस मोड में भी मिस्टर वेगर और एरविन का फायदा अपनी जगह है, लेकिन बीआर में इनकी वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है। अगर आप बीआर में फैल्को यूज करते हैं तो आपको लैंडिंग में फायदा मिल जाता है और अगर आप मिस्टर वेगर यूज करते हैं तो आपको ग्लू वॉल भी पैट से मिल जाती है और अगर आप एरविन का यूज करते हैं तो आप अपने करीबी इर्द गिर्द में मौजूद एनिमीज की क्वांटिटी जान सकते हैं। अगर आप अर्ली फाइट पसंद करते हैं तो आपको फैल्को का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप फास्ट लैंडिंग करके वेपन पिक कर सकें और फाइट को पहले स्टार्ट कर सकें। फैल्को के साथ आप बोमर, कैली, जोता और दाशा कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप सेफ लैंडिंग के साथ थोड़ा सरवाइव करना चाहते हैं तो आप मिस्टर वेगर का यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने पेट से ग्लू वॉल्स हासिल कर सकें। मिस्टर वेगर के साथ आप के जेबीब्स, मीशा और हयातो कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। फाइट्स के दौरान अगर आप बीस्टन का यूज कर रहे हैं और एक्सप्लोजिव वेपन यूज करते हुए ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप बीस्टन पैट के साथ स्टेफी, अल्वारो, मोको और लियोन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रैकी पैट का यूज कर रहे हैं तो टीम फाइट्स में ड्रैकी तो आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगी मेडकिट्स यूज करने वाले एनिमीज को ढूंढने में, और इसके साथ आप A124, कैली, हयातो और थीवा कैरेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एरवन पैट का यूज आपको नियर बाय एनिमीज की क्वांटिटी बता देगा और आपकी टीम को इससे बहुत फायदा मिलेगा। इस पैट के साथ आप क्लू, कैली, लूना और हयातो कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो सर्वाइवर्स, ये था हमारा आज का टिप्स एंड ट्रिक्स एपिसोड और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी।
तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें गरीना फ्री फायर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को। नया क्या है फ्री फायर में? सब्सक्राइब करो, मालूम करो।